खबर है मंडला से, जहां कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आम आदमी अपनी दैनिक जीवन के निर्वाह के लिए रोजी रोटी की तलाश में है, लेकिन वह अभी मजबूर है क्योंकि सबसे पहले वह लॉकडाउन के पालन को महत्व दे रहा है। लेकिन मंडला के कुछ किसानों की बात की जाए तो वह अपने पूरे परिवार के जीवन निर्वाह के लिए प्राकृतिक संपदाओं पर निर्भर है। यह प्राकृतिक संपदा है महुआ, जिसे आज की स्थिति में उसे पेड़ों के नीचे से बीनकर, उसे बेचकर और कुछ रुपए मिलने पर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इस अप्रैल इसके अंत तक किसानों के खेतों में लगे महुए के पेड़ों से इसके फल जमीन पर गिरते हैं, जिसे बीनने के लिए किसान अपने परिवार समेत सुबह के 4-5 बजे महुए के पेड़ों के नीचे पहुँच जाते हैं और इसे बीनकर घर ले जाकर सुखाकर अच्छे मूल्य में व्यापारी या सरकारी केंद्र में इसे बेच देते हैं, जिससे इनके पूरे वर्ष के दाना पानी का खर्चा निकल जाता है। क्योंकि कुछ किसान केवल महुए की खेती से ही पूरे परिवार का पेट भरते हैं, सरकार द्वारा यह तय किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष महुए को किस दाम पर खरीदा जा सकता है, लेकिन इस पर फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि महुआ बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से किसान अब तक हमारे पास नहीं पहुंचे। वहीं डिप्टी रेंजर ने इशारों में कह डाला कि सरकार महुए का मूल्य कम लगा रही है, लेकिन व्यापारी ज्यादा रुपए में महुआ खरीद रहे हैं। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। कोरोना वायरस आने के कारण हमारा स्कूल बंद है, तो मैं नाना जी के साथ महुआ गिनने आती हूँ। तो सरकार अच्छा करी की बुरा करी? अच्छा करी। तो आप लोग तो अब जल्दी बीन ले था, 12 बजे तो भगड़ जाते। रात के 1 बजे रात के आते हैं, कोई झाड़ में नहीं है तो बीन के भग जाते हैं। वो ऐसा है ना, बीन के भग जाते हैं। देखो इस साल सरकार अपने लिए सोचता था, कुछ नहीं सोच रहा है अपने लिए। नहीं तो इस साल तो अपने पास 2 कट्टी महुआ है, और नहीं तो हम तो कम से कम नहीं तो 7-8 कट्टी महुआ बेचते थे। ऐसा झाड़ तुम्हारे हमारे जो है ना, आज दादी सुरखन का झाड़ ये जज फायदा यही है, नमक मिर्च के टाला चलत है बस, यही फायदा है इसमें। नाम बताओ। सुप्रसाद रेंज असिस्टेंट बमनी। हमारे यहाँ पर बमनी रेंज में 5 समितियाँ हैं, और 5 समितियों में हमने खरीदी केंद्र बनाया हुआ है। और इस साल महुआ की रेट 35 रुपये किलो आई हुई है गवर्नमेंट से, सूखा महुआ। तो अभी तक तो कोई हमारे पास बेचने आया नहीं, तो इस कारण अभी आवक नहीं हुई है। देखो इस साल तो क्या है कि लगातार मौसम खराब रहा है, तो उसकी फसल भी बहुत कम हुई है। और जो आसपास के जो व्यापारी लोग हैं वो लोग खरीद लेते हैं, उनके शायद उनके पास में शायद इससे ज़्यादा रेट मिलता हो उनको, इस कारण हमारे पास नहीं आया। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।